हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू iProTechHub। आज मेरे पास है ट्रूली वायरलेस ईयरफोन और आज हम करने वाले हैं इसे रिव्यू और इसकी कुछ करने वाला हूँ साउंड टेस्टिंग और मैं आपके साथ मेरे ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ कि आपको ये ट्रूली वायरलेस ईयरफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम सबसे पहले बॉक्स को देखें तो हमें यहाँ पे बॉक्स मिलता है व्हाइट कलर का। यहाँ पे सबसे ऊपर TWS की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पे इसकी बैक साइड में देखें तो हमें यहाँ पे कुछ मिल जाती है इसके स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन तो यूज़ किया है वो 4.1 है, यानी कि हम इस ब्लूटूथ ईयरफोन में एक ही साथ दो डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो टॉक टाइम है वो 4 घंटे का लिखा है, म्यूजिक टाइम है वो 3 घंटे का लिखा है और स्टैंड बाय टाइम 65 घंटे का लिखा है। इसका जो बैटरी बैकअप है म्यूजिक प्लेबैक टाइम में तो मुझे 2 घंटे 40 मिनट का एवरेज मिलता है, वो भी 60-70% वॉल्यूम में। और अब बात करते हैं इसके चार्जिंग टाइम की, तो इसका जो चार्जिंग टाइम है वो करीब करीब 2 घंटे है। तो चलिए अब जल्दी से कर देते हैं इसे अनबॉक्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है थैंक यू का कार्ड, बाद में हमें मिलता है केस, बाद में हम देखें बॉक्स में तो हमें यहाँ पे मिलते हैं 2 ट्रूली वायरलेस ईयरफोन और बॉक्स में नीचे की साइड हमें मिलता है एक माइक्रो USB केबल जो कि इस केस को चार्ज करने के लिए काम आएगा। और यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा यूजर कैटलॉग मिल जाती है जो कि चाइनीज और इंग्लिश में अवेलेबल है। और अब बात करते हैं इस केस की, तो ये केस है वो एक पावर बैंक की तरह काम करता है। ये जो दोनों आप ईयरफोन देख रहे हो उन दोनों ईयरफोन को चार्ज करेगा ये केस। अगर आप इस ईयरफोन केस को फुली चार्ज करते हो तो आप इन दोनों ईयरफोन को 2 बारी फुल चार्ज कर सकते हो। और अब बात करते हैं ट्रूली वायरलेस ईयरफोन की, तो ट्रूली वायरलेस ईयरफोन की बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही है क्योंकि मैंने इसे 3-4 बार मेरे कानों में से गिराया है, फिर भी ये टूटे नहीं है, फिर भी ये अच्छे चल रहे हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी तो बहुत बढ़िया मुझे लग रही है। तो चलिए अब इसकी सुन लेते हैं साउंड क्वालिटी और मैं आपको मेरा रिव्यू जो है वो शेयर करता हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहले आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा इन दोनों ईयरफोन को एक साथ, बाद में ये जो लाइट है वो ग्रीन से ब्लू और रेड ब्लिंक होने लगेगी, फिर आपको अपने फ़ोन में जाके इसे पेयर कर देना होगा। और यहाँ पे अब हम सुनते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी। तो अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की, तो ऑडियो क्वालिटी आपको जितने आप पैसे पे कर रहे हो उतने हिसाब से बहुत ही अच्छी मिलती है। जब भी आप इन दोनों ईयरफोन को अपने कानों में लगाओगे तो आप बहुत ही अच्छा सा साउंड एक्सपीरियंस कर सकते हो, पर आप इतना भी अच्छा नहीं एक्सपीरियंस कर सकते जितना आपको वायर ईयरफोन में मिलता है। यानी कि थोड़ा बहुत तो वीक है साउंड इसका, पर फिर भी आपको बहुत ही अच्छी सी साउंड इफेक्ट आपको इसमें मिल जाती है। मुझे बेस थोड़ा बहुत कम लग रहा है पर फिर भी आप जितने पे कर रहे हो उतने हिसाब से बहुत ही बढ़िया साउंड इसमें मिलता है। और अब बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की, तो मुझे इसका जो बैटरी बैकअप है म्यूजिक प्लेबैक टाइम में तो मुझे 2 घंटे 40 मिनट का एवरेज मिलता है, वो भी 60-70% वॉल्यूम में। और अब बात करूँ वॉइस कॉलिंग क्वालिटी की, तो जब भी मैं वॉइस कॉल रिसीव करता हूँ तब आर वाला जो साइड आती है ईयरफोन की उसमें ही आपको कॉलिंग जो है वो सुनाई देता है, लेफ्ट वाले ईयरफोन में नहीं सुनाई देता। तो ये मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज़ यार इम्प्रूव करो, दोनों में एटलीस्ट आवाज़ तो आनी चाहिए वॉइस कॉलिंग की। और यहाँ पे एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन है वो बहुत ही कम है, यानी कि बहुत ही डिस्टर्बेंस नॉइज़ आती है जब भी हम वॉइस कॉलिंग में बात करते हैं, तो ये बात भी मुझे बहुत पसंद नहीं आई है। ओवरऑल प्राइस के मुताबिक ये साउंड सुनने के लिए बहुत ही बढ़िया है। और मुझे एक और टेंशन है इस ईयरफोन्स के रिगार्डिंग, जब भी मैं इसे बाइक में पहन के जाता हूँ तो मुझे बहुत ही टेंशन होता है कि कहीं ये गिर ना जाए, अगर ये गिर गया ना तो मेरे पैसे भी गए और ईयरफोन भी गया। तो थोड़ी सी टेंशन रहती है इसे यूज़ करते समय, पर अगर आप ऐसा ट्रूली वायरलेस ईयरफोन ढूंढ रहे हो जो कि आपके जेब को भी नुकसान ना पहुंचाए तो आप ये ट्रूली वायरलेस ईयरफोन ले सकते हो। इसे खरीदने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर इसे चेकआउट कर सकते हो। ये आपको मार्केट में 2000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, यही कुछ था आज के इस वीडियो में, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वन।